हेलो एवरीबॉडी, आज के वीडियो का ये मेन पर्पस है कि विच रेफरेंस बुक टू यूज। और एनसीईआरटी का हमने पिछले वीडियो में तो देख लिया हाउ टू एस एनसीईआरटी ऑफ बायोलॉजी। अब इस वीडियो में हम वी विल एंटायरली डील अबाउट रेफरेंस बुक एंड एमसीक्यू बुक्स टू गेन कॉन्फिडेंस इन सॉल्विंग बायोलॉजी MCQs। अब रेफरेंस बुक्स के बारे में बोले तो बायोलॉजी के लिए कई बच्चे ये तीन चार नाम ही सजेस्ट करेंगे आपको। कुछ बच्चे बोलेंगे MTG पढ़ो, कोई बच्चे दिनेश लेंगे, कई बच्चे प्रदीप लेंगे, कोई ट्रूमैन्स लेंगे। तो मैंने भी दिनेश ली थी। तो दिनेश में क्या है, अब जब AIPMT होती थी तो उसमें बहुत डेप्थ में पूछते थे बायोलॉजी से क्वेश्चन, तो तब दिनेश को पढ़ना या फिर दिनेश के 700-800 MCQs सॉल्व करना वो ठीक था। मतलब तब बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता था बच्चों को। अभी क्या हो गया है, सॉर्टेड हो गया है, सिर्फ NCERT से आता है, बट द कॉम्पिटिशन इज रियली टफ। तो उसके हिसाब से दिनेश इज नॉट एट ऑल नीडेड, दिनेश को मत लो। मैंने भी दिनेश ली थी, देखो साइड से भी कितनी साफ है, किसी को अगर लेनी होगी तो DM करो। लेकिन मुझे ये 100% होप है कि आप में से कोई भी मेरी इंस्टाग्राम पे जाके मुझे DM नहीं करने वाला दिनेश को बोरो करने के लिए। क्योंकि मतलब इतनी बड़ी बुक को पढ़ के और सॉल्व करके कोई सेंस नहीं बनने वाला है आपका। वैसे भी आपको 2 साल 11-12 में इतना सारा पढ़ाई है कि इस चीज़ को पढ़ने में आप अपना समय बर्बाद ना करें, उससे अच्छा आप MTG फिंगर टिप्स को लो। अब इन रेफरेंस बुक का क्या फायदा है, अब जैसा मान लो MTG का कोई चैप्टर मैंने ओपन किया तो उसमें सबसे पहले तो शॉर्ट में नोट्स दिए हैं। अब जैसा मान लो मैंने ये चैप्टर ओपन किया सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फ्लावरिंग प्लांट्स, तो इसमें यहाँ पे शॉर्ट में नोट्स दिए हैं पूरे चैप्टर के। ये और एक पेज हुआ उसका नोट्स का, ये और एक पेज हुआ, ये और एक पेज हुआ। तो ये एक मिनी NCERT है उस पर्टिकुलर लेसन की, क्योंकि MTG की जो बुक है वो पूरी तरह से NCERT पे बेस्ड बनाई है उन लोगों ने। तो अगर आप, मैंने जैसा पिछले वीडियो में कहा था कि आपको NCERT मिनिमम 10 times पढ़नी है और मैक्सिमम 10+ times पढ़नी है, तो वो करने के बाद जब आप इस बुक का ये वाला पार्ट जो इंट्रोडक्टरी पार्ट है नोट्स वाला वो अगर आप पढ़ोगे और उसके बाद इसके MCQ उसके पेजेस करने शुरू करोगे तो उस हर एक पर्टिकुलर चैप्टर में यू आर डेफिनेटली गोइंग टू गेट कॉन्फिडेंस। एंड MTG फिंगर टिप्स इज द बेस्ट बुक टू सॉल्व MCQs फॉर द सेक ऑफ नीट, बिकॉज वेरी सॉल्टेड, एंटायरली बेस्ड ऑन NCERT एंड क्वेश्चंस that are present in this book are the same as the questions which come in the paper. और एक इसका एडवांटेज बोलूँ तो MTG के मान लो अभी मैं जो भी चैप्टर में हूँ उसमें जो भी दिए ना MCQs वो भी टॉपिक वाइज सॉर्ट करके दिए हुए हैं, तो वो मतलब एकदम स्टूडेंट फ्रेंडली बुक है। लास्ट में उसमें हॉट्स भी होते हैं, उसके बाद में उसमें ये भी है assertion and reason है और hints और explanation भी होते हैं। तो अगर आपको कोई question के बारे में पता नहीं है तो आपको वहाँ पे पीछे hint भी मिलेंगी और उस particular question का explanation भी मिलेगा। So एक बहुत एक अच्छी और efficient book है। 2 books होती है, एक आपकी 11 की और एक आपकी 12 की। I also referred these 2 books and I can definitely assure that these 2 books are more than enough for MCQ practice. It is not मतलब ये कोई आसान चीज़ नहीं है पूरी NCERT पढ़ के ये 2 books सॉल्व करना। और इवन दिस इज़ अ गुड थिंग कि ये 2 books सॉल्व करने के बाद आपका बायोलॉजी इस स्टेज पे गया होगा कि आपको विदाउट बिना ऑप्शन दिए भी आप उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर बता सकते हैं। और इस दिनेश वगैरह या फिर ट्रूमैन या फिर तुम्हारा प्रदीप हो गया ये मत करो, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इनमें इतना भर भर के डेटा है, इतना भर भर के डेटा है कि आपको ऐसा लगेगा और कितना पढ़ूं मैं, ये तो बहुत हो गया। मैंने तो दिनेश भी सॉल्व करी थी फिर भी दिनेश में के कुछ क्वेश्चंस तो मेरे पेपर में आए ही नहीं। तो वही है क्योंकि सारे लोग क्वेश्चंस बना रहे हैं NCERT से और आपको चाहिए एक
एनसीईआरटी बेस्ड बुक, ठीक है, तो आप सिर्फ एक एनसीईआरटी बेस्ड बुक ही यूज करो और उसके लिए एमटीजी इज द बेस्ट। मेरा भी ये सॉल्व करके बायोलॉजी में 334 स्कोर आया था 360 में से, सो दैट वाज गुड स्कोर, सो आई थिंक यू गॉट इट।